भैया क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार, ये जो भैया आपका ये दुकान का नाम काफी अट्रैक्टिव है, सुरेंद्र केवट। केवट तो अनेक है मगर सुरेंद्र केवट एक। यहाँ देखिए इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है। तो भैया कितने साल से ये दुकान? ये कितना साल हो गया भाई साहब? एक्चुअली हम फ्रेंड है ना। अच्छा, मैं उनका फ्रेंड हूँ पूना साहब। तो ये सुरेंद्र केवट ये? हाँ, ये सुरेंद्र केवट। तो आइए भैया इनसे मिलते हैं। सुरेंद्र भाई आप है जी। तो ये लिट्टी चोखा कब से बना रहे हैं? 2004 से बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या खासियत है आपकी लिट्टी चोखा की? खासियत बढ़िया से बनाते हैं, बढ़िया सामान के प्रयोग करते हैं जी। देसी घी हम चलाते हैं और दूध सानते हैं, आटा सानते हैं, दूध मिला के सानते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो आटा बनाते हैं उसमें दूध मिला के सानते हैं? उसमें दूध है, नमक है, चीनी है, मिला के सानते हैं, अच्छा से उसका गूंथते हैं। नहीं, काफी भीड़ है यहाँ पे, मतलब कि लोगों की, आपके लिट्टी चोखा का टेस्ट काफी अच्छा है, इसलिए ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो जरा भैया आप दिखाएंगे कि कैसे प्रोसेस है आपका पूरा बनाने का? उसका तो हमारा निकल है डायरी में से कि पूरा लिस्ट आता है। अच्छा, तो बहुत सामान मिलाया जाता है। तो ऐसे ही जो आप बना रहे हैं, मतलब जो आप लोगों को सर्व करते हैं, वो बता दीजिए कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए कि आप कितना प्यारा कलर है लिट्टी का। तो ये कितने सारे स्टाफ काम करते हैं आपके? आठ। वाह, तो देख रेख में से एक लिट्टी चोखे के, मतलब कि स्ट्रीट फूड है जहाँ की 8 स्टाफ काम करते हैं। भैया जरा दिखाइएगा, एक बनते हुए दिखाइए। ये क्या भाई? सत्तू? हाँ, ये सत्तू आटे के इसमें डाला, ये दूध में सना हुआ होता है? हाँ, दूध में। वाह वाह। और ये क्या है? घी? घी। ये चोखा है? भाई चटनी क्या चीज की होती है? टमाटर की। टमाटर की। अच्छा, टोकन से मिलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है जो कि आप सिस्टम से आके लेना पड़ेगा। ये इनका इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको टोकन लेना पड़ेगा पहले। ये कैशियर है यहाँ के, काफी भीड़ होती है। मैंने टेस्ट तो नहीं किया अभी, लेकिन जरा पूछते हैं, लोगों से रिव्यू लेते हैं। मैडम आपने लिट्टी चोखा खाया? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था टेस्ट? काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। तो खाना चाहिए, आप लोगों को रिकमेंड करेंगे खाने का? ठीक है। अच्छा लगता है। भाई साहब कैसा लगा आपको लिट्टी चोखा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, नेक्स्ट टाइम से जरूर आऊंगा खाने के लिए। वाह, नहीं ये